चलिए अब नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर जो कि रायगढ़ से आ रही है, जहां पर फूड प्वाइजनिंग से करीब 70 लोग बीमार हो गए। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यक्रम में इन लोगों ने भोजन किया था, जिसके बाद ये लोग बीमार हो गए। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने मेडिकल टीम रवाना कर दी है। गिरवानी सराय पाली का ये मामला है। रायगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर फूड प्वाइजनिंग से करीब 70 लोग बीमार हो गए। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यक्रम में भोजन किया था इन लोगों ने, जिसके बाद ये लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसके बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने मेडिकल टीम रवाना कर दी है। गिरवानी सराय पाली का ये मामला है। तो रायगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सत्यजीत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी सत्यजीत, 70 लोग करीब फूड पॉइजनिंग का बीमार हो गए कार्यक्रम में खाना खाने से, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी प्रतीक्षा, रायगढ़ से लगा हुआ गांव गिरवानी सराईपाली में कल बीजेपी महिला मोर्चा का एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें की कार्यक्रम में ही पूरी सब्जी खाकर करीब करीब महिला मोर्चा के महिलाएं और पुरुष लगभग 65 से 70 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इसकी हालत बिगड़ने पर उसी दस्त होने पर 10 से 12 लोगों को तत्काल रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में रिफर किया गया। अभी उसकी स्थिति ठीक, अभी उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, और जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने गिरवानी सराईपाली के लिए अपनी एक मेडिकल टीम रवाना कर दी है, जो गांव में जाकर वहां पीड़ित लोगों का इलाज करेगी। जी प्रतीक्षा। जी सत्यजीत, इस वक्त सभी लोगों की हालत कैसी है जानना चाहेंगे? अभी हालत नाजुक नहीं है, अभी डॉक्टरों का कहना ये है कि अभी तक सामान्य है और आगे मेडिकल जांच पूरी होने के बाद ही बता पाएंगे। जी सत्यजीत, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।